अच्छा मुझे आज बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि मेरा वेट इस कदर बढ़ गया है कि मैं जानवरों के बिल्कुल करीब करीब पहुंच गए। उससे पूछन लौड़ी थी लिहाज से कुछ क्यों कर गए? नहीं कुछ तो नहीं कर गए, लेकिन लाइक एवरी अदर एक्टर क्योंकि काम ज्यादा कराची में होता है तो ज्यादा वक्त वहां गुजरता है। आई ऑलवेज वेट टू कम बैक। और नई जिंदगी कैसी लग रही है अब? तो वो भी पुरानी होने वाली है मेरे ख्याल में। नहीं अभी तो एक साल होने वाला है तो पुरानी तो नहीं कहूंगा मैं, पर इट्स ब्यूटीफुल। इट्स बिगिनिंग। इट इज यू आर एंजॉयिंग दैट बिगिनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। आंदे ही मैं गिला कीता ना कि मैं तेरे नाल नहीं बोलता ना। क्यों? मैं कि तू मैनू ब्याह ते भी नहीं बुलाया, तू क्यों नहीं मैंने बुलाया? अरे नौमी भाई वो कोविड हो गया, मैंने तो घर वालों को भी नहीं बुलाया। बुलाया मैंने, वो आ नहीं पाए, फ्लाइट्स बंद हो गई और वही बात हो जाती है। और बस अम्मा ने मेरी कहा कि अल्लाह का नाम ले। मैं हमेशा से चाहता था बहुत सिंपल रहे, पर हमेशा से ये चाहता था कि जिन लोगों से मैं प्यार, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, you know, that's why I'm saying wanted all of these people to surround me, पर जैसे अल्लाह को मंजूर। ये भी सादगी से शादी की थी इन्होंने भी, यकीन के रहे, ये खुद बरात के साथ गया ही नहीं। ये तो कौन लेके आया फिर दुल्हन को? ये फिर आप ही छाड़ के सर। वक्त के साथ साथ सारा जी, हमारे मीडिया के बहुत सारे यंगस्टर्स जी, वे क्विकली गेटिंग मैरिड बिकॉज़ आई थिंक टाइम चेंज हो गया ना, और सपोर्ट भी होती है एक दूसरे को, पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ। सो तो मैं ये कह रहा था कि अकलमंद को इशारा काफी है, तो आप भी कुछ इरादा बना लीजिए। आप सब कुछ तो बन गए हैं, दुल्हन भी बन जाए, क्या रिक्वायरमेंट है बता दें जरा आज। क्या रिक्वायरमेंट है? जो मेरे सब बच्चों को पाल ले, क्योंकि मेरे कमरे में 20-25 बिल्लियां होती हैं, दो कुत्ते हैं, तीसरा भी आ रहा है, तो वो ऑलराइट जो गुजारा कर ले। रिस्क लिया जा सकता है ये, तो ये क्या उन बिल्लियों से इंस्पायर हो कि आपने अपना हेयर स्टाइल भी बदला है और सारा कुछ? Oh my God, आपसे नहीं कोई सवाल। आगा जी, और सुनाइए क्या हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, क्योंकि मैं तो बहुत कम काम करने लग गया हूँ। Where is it going? कहाँ जा रही है ये जो ड्रामे बन रहे हैं? अक्सर हमारी आयशा साहिबा को बड़ा गिला और शिकायत है, और मेरे रोज कान खाती है ये कि ये किस किस्म का ड्रामा। मैं क्या आप देखती क्यों हैं? वो कहती है नहीं, ये रिश्तों के तकद्दुस खराब कर रहे हैं, अजीब से ड्रामे आने शुरू हो गए हैं। मुझे तो हैरत इस बात की है कि ये एक ड्रामा देख के क्यों ऑफेंड हुई, क्योंकि ड्रामे तो सब एक जैसे हैं। लेकिन आई थिंक इट्स हाई टाइम के एक एक्टर के अंदर ऑब्वियसली एबिलिटी उसकी तभी निखरती है जब आप उसको चैलेंज करते हैं और वो अलग अलग किरदार प्ले करता है। बट सैडली फॉर अ हीरो फॉर इंस्टेंस, इट्स काइंड ऑफ द सेम कैरेक्टर इन एवरी ड्रामा बिकॉज देयर इज द सेम काइंड ऑफ स्टोरी। तो बड़ा बहुत ही जरूरी है कि हम अपने टॉपिक, अपनी कहानी को बदलें। तो ये एक वजह है कि आप किसी भी एक्टर का कोई ड्रामा देख रहे हो और आप 6 महीने के बाद कोई और ड्रामा उसका देख रहे हो तो आपको लगेगा वही ड्रामा चल रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि ना उसने अपनी दाढ़ी का स्टाइल बदलना है, ना बालों का बदलना है। किसी खातून ने कह दिया कि दाढ़ी अच्छी लगती है, उसका ये मतलब नहीं है आप पूरी कॉम पे वो दाढ़ी 10 साल के लिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, सरकार का एपिसोड चल रहा है, मजेदार बातें हो रही है, कहीं मत जाइएगा। जी सरकार में एक दफा फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आगा जी, पिछले दिनों एक बड़ी तहरीक चली कि रॉयल्टीज मिलनी चाहिए जी, जिस पे बहुत सारे आर्टिस्टों ने कहा कि क्यों नहीं मिलती रॉयल्टीज और चैनल्स से हमें बात करनी चाहिए। आपकी टेक क्या है उसको लेके? मुझे लगता है जितने भी लोगों ने इसके ऊपर कुछ भी कहा है उन्हें कुछ भी कहे बगैर काम करना छोड़ देना चाहिए, अनलेस उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट में रॉयल्टी का क्लॉ ऐड नहीं हो। बिकॉज देखे मुंबई जितने यंग एक्टर्स हैं, पीपल लाइक आई वेरी ओपनली से दैट आई नीड टू वर्क, आई कांट स्टॉप वर्किंग एंड टेक माय स्टांस, कर ही नहीं सकते बिकॉज आपका घर चलता है उस चीज की वजह से। और जब मैं 6-7 साल से मैं रेगुलरली एक्टिंग कर रहा हूँ और मैंने कभी भी नहीं देखा है कि ऐसी किसी भी चीज के लिए किसी सीनियर एक्टर ने हमें बुलाया और कहा हो कि यार दिस इज आर राइट और ये करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द सीनियर एक्टर्स बिकेम प्रोड्यूसर्स इन द एंड, उन्होंने प्रोड्यूसर बन के भी ऐसी कोई खुद से कोई चीज नहीं की। It's a chain reaction. Yeah, so royalty समझते हैं ना आप अपना गुलफाम भाई जी? चंदा नहीं, मुझे कोई ऐसी टिप दे कि मैं ना खूबसूरत लगना शुरू हो जाऊं और ये दुश्मन
मुझ जैसे हो जाए, जल जाए। क्रीम तो मैंने लगाई है फिर भी मैं वाइट नहीं हुआ। जैसे अल्लाह ने पैदा किया वैसे बहुत खूबसूरत। कौन सी क्रीम लगाई है? आइसक्रीम। आइसक्रीम लगाने से गोरा यार, आयशा जी आपने इसको थोड़ा सा तो गुलफाम भाई को एजुकेट करें। लाइक कॉम्प्लेक्स का कोई इलाज नहीं होता। वालिद आपके वकालत से उनका ताल्लुक था? नहीं, मेरे फादर जस्टिस थे जी। अच्छा, वही वकालत, वकालत से ही ताल्लुक। बाबा वाज ही केम फ्रॉम जुडिशरी, ही इज अच्छा, ही वाज इनटू जुडिशरी। यस, ही वाज फ्रॉम डे 1। दादा का भी इसी मेरे दादा जो है जी, वैसे तो हम लोग डेरा इस्माइल खान के हैं और सरदार फैमिली हमारी वो पठान फैमिली जी, और लेकिन अब फ्यूडल्स हैं, लेकिन दादा वाज कंजर्वेटर फॉरेस्ट एंड हजारा डिस्ट्रिक्ट डीएफओ के पूरे थे, वो डीएफओ थे हजारा डिस्ट्रिक्ट के। तो बस वहां से और फिर बाबा फिर सर्विस में आ गए, तो फिर मैं बनू में पैदा हुई थी। आई एम द यंगेस्ट ऑफ 6 बच्चे, तो काफी बिजी रहे मेरे माँ बाप। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आप एक पश्तो स्पीकिंग पठान है तो ये गलत नहीं होगा? जी जी बिल्कुल। ऐसे ही है, आओ राजी जी। टोला राजी, लग लग राजी, लग लग राजी, लग लग राजी। माशाल्लाह पाकिस्तान में जितनी जुबानें बोली जाती हैं, आयशा जी को और गुलफाम साहब को आती सब आती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इनको तो अगले जुबानें काट के भिजवा देते हैं, इनको जुबानें आती हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गर्ल। जी गर्ल। नो, लड़की को अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू। मुस्लिम आदमी, मुस्लिम आदमी। आगा जी, आगे के क्या प्लान्स हैं? Are you planning to go into production as well, जी? जी, there is a telefilm and then I produce my own music, so there are 2 more music videos हम करेंगे। कोविड की वजह से नहीं कर रहे। इससे कुछ लोगों के रवैयों में कोई तब्दीली आई है? क्योंकि मुझे याद है जब शुरू शुरू में जब ये शुरू हुआ और तेजी तेजी आई इसमें, तो लोगों को ऊपर वाला अल्लाह बहुत याद आया और लोगों ने कहा कि नहीं मैं अपने आप को दुरुस्त करूंगा। यू थिंक सो कि ये काम सदर से नहीं? आई थिंक इससे ऑपोजिट हुआ। मुझे तो लगता है बिल्कुल अल्लाह को भूल गए कई लोग, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया को ही देखें पिछले इसी एक साल में, सो देयर इज सो मच ऑफ हेट्रेड दैट यू गॉट टू सी ऑन सोशल मीडिया टुवर्ड्स पॉलिटिशियंस और एक्टर्स और हूएवर वाज अ लिटिल फेमस। आई एम श्योर कि फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया लोगों में, बाहर नहीं जा सकते, बहुत सारे काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो जितना गंद कहीं ना कहीं अंदर छुपा था वो भी निकल के बाहर आ गया। खैर, एनिमल राइट्स के हवाले से आप बात करते हैं, लेकिन हमारा जो अगला सेगमेंट है वो हमारा एक भाई है तो तफाल निकालते हैं। अरे अरे। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बिल्कुल सर बहुत सारी तालियों में जी वेलकम कीजिएगा पप्पू परेड साहब को जी।